वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं लेकर आया एक शानदार सी आपके लिए 125 वर्ग गज में बने वाला 3 BHK का शानदार सा लग्जरी मकान, वो भी शानदार से लोकेशन में आपके कारवार रोड हाथोज के अंदर 90B अप्रूव्ड ये मकान मिलने वाला है। टोटल 8 यूनिट बनी है। अगर आप 8 भाई हो, 8 रिश्तेदार हो, 8 दोस्त हो, आप सब एक जगह रह सकते हो आपके सपनों के घर के साथ। दोस्तों ईस्ट फेसिंग मकान है। इस मकान में आपको बोरिंग भी मिलने वाली है और कमरों की साइज भी इतनी बड़ी बड़ी है कि बड़े बड़े हॉल भी उनके सामने फीके दिखाई दे। अभी लेके चलता हूँ आपको सीधा आपकी प्रॉपर्टी का विजिट करवाने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन दबा दो ताकि आपको जयपुर की बेहतरीन प्रॉपर्टी में सजेस्ट कर सकूँ। बाकी अगर पुराने हो तो इसके लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाकी चलते हैं, आपका समय बर्बाद नहीं करते सीधे प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टी का आगे की तरफ आप देखते हो तो 40 फीट मिल जाती है आपको रोड। आसपास काफी मकान बन रहे हैं और ये जो प्रॉपर्टी, इससे एक 200 फीट रोड भी निकल रही है। वो यहाँ मात्र यहाँ से 150 मीटर दूर आपको एक 150 मीटर रोड है वो अप्रोच कर रही है। अभी लेके चलता हूँ मैं आपको। देखो बाहर से मकान का एलिवेशन बहुत ही शानदार से डिजाइन में आपको शानदार सा एलिवेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। और बड़ी सी पार्किंग मिल रही है, खूब बड़ी पार्किंग। आराम से 2-3 बड़ी 4-व्हीलर गाड़ी खड़ी कर सकते हो या फिर सर्दियों में विटामिन डी लेने के लिए आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ यहाँ बैठ सकते हो। आप अपने घर का छोटा मोटा कोई प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करना तो यहाँ आराम से 20-25 आदमियों की पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। काफी बड़ी पार्किंग मिल रही है आपको। यहाँ मिल रहा है आपको पानी का टैंक जिसमें 2 टैंकर पानी आ जाए, इतनी कैपेसिटी है। बाकी हमारी जो 8 यूनिट है इनके अंदर आपको ट्यूबवेल ऑलरेडी करके दिया हुआ है जहाँ से आपको 8 को आराम से पानी मिल जाएगा। तो हाथों में ज्यादा करिए पानी की समस्या, वो समस्या भी आपकी दूर होगी। एक स्टेप चढ़ते हम सीधा आ जाते हैं आपके डाइनिंग हॉल में। डाइनिंग हॉल की तरफ चलेंगे तो इधर पहले आपको अग्नि कोण भी मिल जाती है आपकी रसोई, काफी अच्छे स्पेस में। अपने हर बार समस्या रहती है जब भी कोई घर परिवार में कोई प्रोग्राम होता है तो एक औरत अगर रसोई में घुस गई तो दूसरी औरत उसके पास बात नहीं करने जाए तो वो खाना बनाने में थोड़ी असमर्थ होती है। यहाँ 4-5 औरतें आराम से बातों के साथ साथ स्वादिष्ट भोजन बना सकती है। इतना बड़ा स्पेस आपको इस रसोई में मिल रहा है। एल शेप के अंदर ब्लैक ग्रेनाइट का शानदार सा आपको प्लेटफॉर्म ऑफर हो रहा है और खूब सामान आप नीचे ऊपर रख सकते हो। क्रॉकरी खूब आराम से रख सकते हो या आपको बर्तन धोने के लिए सेक मिल रही है। जो सैनिटरी का सामान है वो ब्रांडेड कंपनी का लगा के देंगे, अभी आपके 25 से पहले लग जाएगा। या फ्रिज इंस्टॉल कर सकते हो, इतना बड़ा स्पेस मिल रहा है। ऊपर शानदार से सीलिंग डिजाइन करके दिए। यहाँ अगर आप देखो तो आपकी रसोई में दिन में बगैर लाइट के भी काम चल सके, इसलिए हम बड़ा सा विंडो दिया गया है। साथ ही आपकी इलेक्ट्रिक चिमनी का भी यहाँ प्रोविजन छोड़ा हुआ है। जो आपका डाइनिंग हॉल है और रसोई, इसका पार्टीशन भी शानदार से डिजाइन में तैयार करके देंगे, अभी काफ़ी काम बाकी है। अगर आप गेट की बात करो तो काफ़ी मजबूत गेट आपको मिल रहे हैं। यह आ गया आपका डाइनिंग हॉल। डाइनिंग हॉल के अंदर जो उत्तर दिशा की दीवार है उसमें बहुत ही शानदार डिजाइन में वॉलपेपर। ऊपर अगर सीलिंग की बात करें तो बहुत ही शानदार डिजाइन में आपको सीलिंग मिल रही है। एडी है वो अंदर से है और यहाँ आपके मनोरंजन के लिए एक शानदार सा अट्रैक्टिव आपको LED पैनल भी मिल रहा है जिसमें साइड में काफ़ी आप आर्टिफिशियल सामान रख सकते हो। साथ ही सुंदर से आप एक LED पैनल लगा के या आपका मनोरंजन का संसाधन स्थापित कर सकते हो। यहाँ आप अपना जो इन्वर्टर है उनको यहाँ लगा सकते हो, उसके लिए भी आपको यहाँ एक स्टोरेज मिल रहा है। अब लेके चलता हूँ आपको आपके मास्टर बेडरूम में। उससे पहले यहाँ आपको मिल जाएगा वॉश बेसिन इलाका जहाँ आपको ऊपर टाइल लगी हुई, सिर्फ वॉश बेसिन लगाना है, वो आपको लगा के देंगे। या आपको एक बहुत बड़ी साइज में कॉमन लेट बाथ मिल जाता है जिसमें इंडियन सीट लगी हुई, ऊपर तक टाइल्स वगैरह सब लगी हुई है। ऊपर एग्जस्ट फैन लग जाएगा और सैनिटरी का सामान आपको पूरा ब्रांडेड कंपनी का लगा के देंगे। यह है वो शानदार सा बड़ा सा आपका हॉल जितना बड़ा कमरा। अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो यह लगभग 18x14 के डायमेंशन में बड़ा सा आपको रूम मिल रहा है जिसमें उत्तर दिशा की तरफ देखें तो 3D के अंदर बहुत ही शानदार डिजाइन में वॉलपेपर लगा हुआ है। साथ ही आपको जो AC का पॉइंट छोड़ा हुआ जहाँ लाकर आपको AC इंस्टॉल करनी है, शानदार सीलिंग डिजाइन करके दिए। अब बात आती है वार्डरोब की, इतना सामान रख सकते हो आप इसके आपकी इस रूम के वार्डरोब में। खूब बड़ी बड़ी अलमारी दोनों साइड और ऊपर खूब सामान आप आराम से रख सकते हो। और यहाँ आपके बेडरूम में आपके मनोरंजन के लिए खूब शानदार डिजाइन में बड़ा सा एक LED पैनल भी आपको ऑफर हो रहा है जिसमें नीचे आप खूब सामान रख सकते हो और यहाँ आप LED पैनल आपका इंस्टॉल कर सकते हो। आपके कमरे में AC के बगैर भी आप काम चलाना तो यहाँ आप अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, उसके लिए भी आपको खिड़की यहाँ ऑफर हो रही है।
यह हो गया आपके एक कमरे के बैक साइड में काफी अच्छा स्पेस जहाँ वॉशिंग इलाके के तौर पर काम कर सकते हो, या आराम से वॉशिंग मशीन लगा लो या आपको नड़ वगैरह लगा के देंगे। यही लाइट्स के पॉइंट दिए हुए हैं। आपके इस मकान में हमेशा अच्छी रोशनी और हवादार रहे इसके लिए बैक साइड से आयरन की मजबूत जाली लगा दी, और आपके खुद के जमीन के अंदर है तो आपके कोई दिक्कत नहीं, हमेशा आपका मकान आगे और पीछे से स्वच्छ हवा आपको मिलती रहेगी। तो ये दोस्तों था आपका ग्राउंड फ्लोर। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर पर। मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में कि पेड़िया है वो अंदर से स्टेनलेस स्टील की ग्रिल लगी हुई है, और रेलिंग है जो स्टेनलेस स्टील की है, और ग्रेनाइट की शानदार सी पेड़ी आपको यहाँ मिल रही है। पिलर बेस्ड कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी मजबूत मकान है। अब आप आ गए हम आपके फर्स्ट फ्लोर पर। यहाँ सामने यहाँ आपको वॉश बेसिन इलाका मिल जाएगा जहाँ ऊपर तक टाइल्स वगैरह लगी हुई है, सैनिटरी का सामान लगाना बाकी है। यह आपका फिर एक कॉमन लेट बाथ आ गया जिसमें इंडियन सीट लगी हुई है। वेंटिलेशन का विशेष ध्यान रखा गया। ये काफ़ी बड़ा एक ओपन इलाका आ गया जिसमें आप चाहो तो आप अपने फैमिली के प्रोग्राम रख सकते हो, यहाँ आप सोफे वगैरह लगा सकते हो, बच्चों के मनोरंजन का जगह बना सकते हो। इस दीवार के ऊपर बहुत ही शानदार डिज़ाइन में आपको वॉल पेपर लगा हुआ है, ऊपर है जो शानदार सी सीलिंग डिज़ाइन करके दी है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको जो बैक में कमरा उसको दिखाने के लिए। काफ़ी बड़ी साइज़ में एक बड़ा सा आपको कमरा मिल रहा है, खूब ही बड़ी साइज़ में, वही 18-14 के डायमेंशन में बड़ा सा कमरा। इस दीवार पर बहुत ही शानदार सी डिज़ाइन में वॉल पेपर, हर एक कमरे में एसी का पॉइंट और शानदार से सीलिंग आपको डिज़ाइन करके दी है। यह आपको इस कमरे में मिल जाता है एक अटैच लेट बाथ, काफ़ी अच्छी साइज़ में बड़ा सा अटैच लेट बाथ जिसमें वेस्टर्न सीट आपको लगा कर देंगे, सैनिटरी का सामान अभी लगना बाकी है। यहाँ भी आपको LED पैनल के साथ साथ साइड में देखो तो आपको बड़ी वार्डरोब मिल रही है, और आपके कमरे के बैक साइड भी काफ़ी अच्छा स्पेस मिल रहा है जहाँ आप सुबह शाम आराम से बिता सकते हो, ऊपर से पूरा कवर्ड है। तो ये हो गया आपका बेडरूम नंबर 3, करेक्शन 2 नंबर, अभी एक बेडरूम और बाकी है। वो बेडरूम आपको मिल रहा है बालकोनी के साथ साथ, ये भी काफी अच्छे स्पेस में बड़ा सा आपको बेडरूम मिल रहा है। ये चाहो तो आप अपने बच्चों के लिए रख सकते हो, इसमें भी काफी अच्छी दोनों तरफ वार्डरोब, ऊपर भी खूब सामान रखने के लिए, और यहाँ आप LED पैनल आराम से लगा सकते हो, ऊपर शानदार से सीलिंग डिजाइन करके दिए, और यहाँ आपको लगा दिया पश्चिम दिशा की तरफ शानदार से डिजाइन में वॉलपेपर, साथ ही हर एक कमरे में AC का पॉइंट छोड़ा हुआ है, और यहाँ आप कूलर इंस्टॉल कर सकते हो, इसका भी यहाँ प्रोविजन छोड़ा हुआ है। अब लेके चलता हूँ आपकी बालकोनी में। काफी अच्छे स्पेस में बड़ी सी बालकोनी है, ऊपर शानदार से सीलिंग डिजाइन करके दिए, स्टेनलेस स्टील के आगे ग्रिल लगी हुई है। तो दोस्तों ये थी आपकी ईस्ट फेसिंग मकान जो 3 BHK 125 वर्ग गज में बड़ा हुआ है, और 90 भी अप्रूव्ड है, तो ये आपका 90% लोनेबल है जहाँ पानी की भी कोई कमी नहीं है क्योंकि बोरिंग ऑलरेडी की हुई है। और जो आपका कनेक्टिविटी की बात करें तो आप किस प्रॉपर्टी से मात्र 150 मीटर की दूरी पर 200 फीट रोड मिलने वाली है, आपकी कालवाड़ रोड भी ज़्यादा दूर नहीं है, हाथोज का जो मार्केट है वो भी वॉकिंग डिस्टेंस में है, और आसपास आपको बड़ी 3 स्कूलें मिल जाती है, आपके सुशांत सिटी की जो 2-3 स्कूल है वो भी आपके कनेक्टिविटी में, मार्केट आपके कनेक्टिविटी में। तो ये था दोस्तों मकान जिसको अगर आप लेना चाहते हो तो दिए नंबरों पर कॉल करो। इसके प्राइस की बात करें तो मात्र और मात्र 51 लाख में मिल जाएगा आपको। 51 तो अंक के शुभ होते हैं, अभी चल रहे हैं नवरात्रा, तो क्यों ना इस नवरात्रा में आप अपना मकान खरीदो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।